वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ। जिस तरीके से आपको बोला गया है कि मेरी डेमो कार रेडी हुई थी, जब 1 ईयर बैक जब हमने डेमो कार रेडी की थी वो आप लोगों के लिए की थी। जैसे कि बताना चाहूँगा, आज सुबह ये कार पुणे से आई हुई है, MH14। जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ मेरी कार देखी, आए, एक्सपीरियंस किया, एंड्रॉयड बोलिए, म्यूजिक सिस्टम देख लिया, वाइप के कंपोनेंट सुन लिए, डैम्पिंग किया, DRLs, डिफ्यूजर्स, व्हील कैप्स, फुल बॉडी स्पोर्ट्स किट, एक डेमो है आप लोगों के लिए। ये चीज़ हमने आप लोगों के लिए बनाई है कि आप अगर आए और अगर इसमें एक बार बैठ के एक्सपीरियंस कीजिए कि अगर आप अपनी कार में ये सब चीज़ें लगाते हो तो आपकी कार कैसे लगेगी, तो वही देख के आज ये कार बनी हुई है। तो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट रहेगा, साथ ही में इसके अलावा कुछ अपग्रेडेशंस भी की हुई है जो 1 ईयर में हम नहीं कर पाए थे, जो मेरी कार में भी नहीं लग पाई है, वो आज ये कार में लगाई हुई है। तो स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो फ्रंट लुक से। जिस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्मल ग्रिल आती थी उसके ऊपर हमने GTR ग्रिल लगाई हुई है, बट इस कार में नॉर्मल ग्रिल को हमने ड्यूअल टोन में कलर किया हुआ है, वाइट विद द ग्लॉसी ब्लैक। साथ ही में जो लोअर ग्रिल है आप देख सकते हो, 3 स्ट्राइप्स के साथ मैट ब्लैक कलर में आती है, उसको भी हमने बॉडी कलर में पेंट किया हुआ है। किस तरीके से एक डिफरेंस आपके सामने है, ये एक नॉर्मल लुक होगा और ये आज का अपग्रेडेड लुक है। तो आप एक लुक देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। जिस तरीके से हमारी कार में DRLs लगी थी, सर ने बोला वही तरीके से DRLs लगनी चाहिए। एक आपको ऑन एंड ऑफ मोड ऑफ द DRLs दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे DRL ऑन होती है, एक मैट्रिक्स लुक के साथ, फर्स्ट इज द येलो एंड सेकेंड इज द वाइट। किस तरीके से एक मॉन्स्टर लुक जो DRLs का आ रहा है आप देख सकते हो। मेरी कार में मैंने अंदर से जो फॉइल आता है उसको ब्लैक किया हुआ है और रिंग और प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, बट इस कार में खाली DRLs लगाने से एक आप कार का डिफरेंस और एक लुक देख सकते हो। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दोनों ही कार में लगाई है। बताना चाहूँगा, 1 ईयर बैक तक जो डिफ्यूजर्स आते थे, 5 स्पोक्स आते थे विद द ड्यूअल एग्जॉस्ट, बट इस बार 5 स्पोक्स विद द 4 एग्जॉस्ट एंड विद LEDs। आप एक अपग्रेडेशन देख सकते हो, पियानो ब्लैक विद द वाइट ड्यूअल टोन एंड ओनली द वाइट। आप एक डिफरेंस देख सकते हो किस तरीके से, जो हम एक साल में आप लोगों के लिए अपग्रेडेशंस लेके आए हैं, किस तरीके से आपकी कार पे लगता है। स्टार्टिंग विद द साइड लुक्स ऑफ द कार, हाफ बॉडी विनाइल रैप, सेम टू सेम जैसे कि मेरी डेमो कार पे किया हुआ है, वैसे ही कंसेप्ट में स्टार्ट यहाँ से हो रहा है दोस्तों, एंड यहाँ हो रहा है। आप काफ़ी वीडियोस देखते रहोगे, एंड यही कर देते रहेंगे, बट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही लाइन पे हमने एंड किया है विद द 09 बेजिंग। 09 तो GK मोटर्स की आन बान शान है आप लोगों के लिए, जहाँ भी 09 की गाड़ी चलती है बस यही बोलते हैं कि ये GK मोटर्स से बनी हुई है। थैंक यू सो मच जो इतना अच्छा 09 पे आप लोगों ने प्यार दिया है। सर ने बोला नंबर लगेगा तो 09 ही लगेगा, क्योंकि कार GK मोटर्स से बनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी खासियत है, द फुल बॉडी स्पोर्ट्स किट आप देख रहे रहोगे दोस्तों, मैट ब्लैक और सिल्वर में। आप 2022 का ले लीजिए या 2019 का ले लीजिए, आप मारुति सुजुकी शोरूम से अगर फुल बॉडी स्पोर्ट्स किट लेते हो तो मैट ब्लैक और सिल्वर आती है, बट आप देख सकते हो किस तरीके से पियानो ब्लैक विद द वाइट। किधर भी मैट ब्लैक का कंसेप्ट नहीं है, पियानो ब्लैक विद द वाइट का कंसेप्ट किया हुआ है। मेरी कार पे आप लोग को बताना चाहूँगा, जब मैंने एक साल पहले मेरी कार बनाई थी तब ओनली द पियानो ब्लैक बनाया था, बट मेरी कार पे देखने के बाद ये समझ में आया कि पियानो ब्लैक विद द वाइट कितना अच्छा लगेगा। जो साइड की कटिंग लगी है वो मैट ब्लैक विद द वाइट लगी है, बट इस पे जब हमने अपग्रेडेशन किया, जो वही कलर का आपका साइड का क्लैडिंग, वही कलर का ऊपर का विनाइल रैप, तो एक कंसेप्चुअल मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की गई है। व्हील कैप्स लगाए हुए हैं मेड इन ताइवान के, साथ ही में अंदर का रिम हमने ग्लॉस ब्लैक किया हुआ है। जो भी चीज़ करने की कोशिश की गई है वो एक कंसेप्चुअल मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की गई है। रियर लुक्स मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, एक ड्यूअल एग्जॉस्ट का आप लुक देख सकते हो और एक 4 एग्जॉस्ट का लुक देख सकते हो। मेरी गाड़ी आज इस गाड़ी के सामने फीकी पड़ रही है जैसे कि आप देख सकते हो, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स, कस्टमाइज टेल लाइट्स लगाने से आप गाड़ी का लुक में डिफरेंस देख सकते हो। ये स्मोकिश टाइप टेल लाइट्स आती है विद द इंडिकेटर्स विद द रिवर्स ऑप्शन, और ये नॉर्मल टेल लाइट्स आती है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। कोई ब्लैक कॉम्बो किट्स वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ टेल लाइट्स रिप्लेस की है, तो आप एक लुक देख सकते हो। एंड द मोस्ट फेवरेट, द 4 एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र विद द यू ब्लैक
एंड द ट्रंक ब्लैक, ये आता क्रोम में है बट हम इसको ब्लैक कलर में लगाते हैं क्योंकि एक कंसेप्ट करने की कोशिश है। किस तरीके से आप लोगों को एक्सटीरियर लगा वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द इंटीरियर लुक ऑफ द कार, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीरियर का लुक दिखाना चाहूंगा। एलमेंड एंड ब्लैक ड्यूअल टोनिंग इंटीरियर में लुक दिया हुआ है हम लोगों ने। स्टार्टिंग विद द सीट कवर्स, द सिक्स पैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप एक सिक्स पैक सीट कवर्स का लुक देख सकते हो। एलमेंट विद द ब्लैक विद द ड्यूअल टोन ऑफ द कस्टमाइज ब्रांड विद द 5 ईयर्स वारंटी अल्ट्रा कम्फर्ट सीट कवर्स, आप एक लुक देख सकते हो। पूरा कंसेप्ट एलमेंड एंड ब्लैक करने की कोशिश की है, आर्मरेस्ट के ऊपर रैपिंग की हुई है एलमेंड कलर की। किस तरीके से एक पूरा कंसेप्चुअल मॉडिफिकेशन किया हुआ है, गियर नॉब भी आप देख सकते हो एंड गियर का क्लॉथ भी सेम कलर में हमने रैप किया हुआ है। स्टेयरिंग के बारे में आज बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगा ये एक फील है, आप स्टेयरिंग वगैरह आपने कवर्स वगैरह बहुत देखे रहेंगे, ये रैप तो हमने मशीन स्टिचिंग किया ही है बट साथ ही में ट्राई स्टेयरिंग पियानो ब्लैक विद द एलमेंट, जो कलर में सीट कवर्स का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट में हमने ट्राई स्टेयरिंग किया है। 1, 2 एंड 3 आप एक कंसेप्ट देख सकते हो, जिस तरीके से मेरे 09 पे लगा हुआ है वही कंसेप्ट में किया हुआ है। साथ ही में जिस कलर का हमने सीट कवर लगाया हुआ है वही कंसेप्ट की 70 मैट्स लगाई है इन द एलमेंट कलर, आप एक कंसेप्ट देख सकते हो। जो कलर का हमारा सीट कवर है, जो कलर का स्टेयरिंग रैप है वही कलर की मैटिंग लगाई हुई है। साथ ही में दोस्तों हमने स्कफ प्लेट लगाई हुई है इन द एलमेंट कलर, ये भी एक कंसेप्चुअल मॉडिफिकेशन में किया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज कुछ यूनिक, द पिलर रैप, स्टार्टिंग विद द पिलर रैप्स, पिलर ए भी हमने किस तरीके से रैप किया आप देख सकते हो, पिलर बी भी हमने रैप किया हुआ है। साथ ही में द मोस्ट यूनिक द पिलर सी, आपको एक रियर लुक से आपको एक पिलर का रैप दिखाना चाहूँगा दोस्तों, किस तरीके से एक पिलर का रैप हुआ हुआ है, आप एक फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह देख सकते हो। एक अगर मैं आपको फ्रंट से कार का रियर से फ्रंट लुक दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से कार पे लुक आ रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सीएनजी टैंक कवर विद द स्टेपनी कवर के साथ, आप देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर स्टेपनी कवर भी आपका कवर करता है, साथ ही में आपको एक स्पेस भी मिल जाती है। अगर ज़्यादा सामान है तो आप ये जो कंपनी की ओरिजिनल फिटमेंट की ट्रे आती है ये डिटैचेबल है, आप इसको डिटैच करके घर पे रख सकते हो और आप यहाँ तक सामान रख सकते हो। किसी को अगर वूफर भी बिठाना है, सीएनजी कार है और वूफर भी बिठाना है तो ये ट्रे लगने के बाद वूफर भी बैठ सकता है, उसकी भी अवेबिलिटी हो जाती है। साथ ही में अंडर सीट वूफर भी बिठाना है वो भी बिठा सकते हो, और जिनको अगर वूफर स्पेसिफिकली बिठाना है तो इसके ये ट्रे लगने के बाद वूफर बैठ सकता है। म्यूजिक सिस्टम, क्रॉसलिंक व्हील्स, सबका फेवरेट, आज क्लाइंट आए उन्होंने ही बोला जो होम सर्विस वाला म्यूजिक सिस्टम आप बताते हो वही लगाना। क्रॉसलिंक व्हील्स जैसे कि हर वीडियो में बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया होम सर्विस, 17,999 MRP आती है, 13,000 रुपये में, 2 GB RAM, 16 GB इंटरनल मेमोरी विद द हाई फाई ऑप्शन विद द स्क्रीन ऑफ ऑप्शन के साथ। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो किधर भी आप स्क्रीन पे टच करो वापस एक टच पे आपका स्क्रीन आपके पास रिटर्न आ जाएगा। क्रॉसलिंक व्हील्स एक ही ऐसा ब्रांड है जो आपको होम सर्विस देता है ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि कार पुणे से आई है, कुछ भी इशू आता है तो पुणे से वापस वाशी ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रॉसलिंक व्हील्स का आदमी आपके डोर स्टेप पर आके आपको सर्विस देके जाएगा। साथ ही में हमने कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। बट कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरी कार में वाइब के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वाइब इज़ अ ब्रिटिश ऑडियो विद 2 ईयर्स गारंटी के साथ आते हैं और साथ ही में बेस इफेक्ट गारंटीड के साथ है। अगर इसमें इसका किसी को एक्सपीरियंस चाहिए आप मेरी कार में आके एक डेमो कार में बैठ के आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, वूफर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बट काफ़ी अच्छा बेस है। वूफर जैसा इफेक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों की, जो वूफर कर सकता है वो कंपोनेंट कभी नहीं कर सकता है, बट एक स्पीकर से काफ़ी अच्छा लेवल आउटपुट आता है। और साथ ही में वैगनर कार के लिए वाइप के कंपोनेंट्स एंड स्पीकर्स आर इनफ। साथ ही में दोस्तों हमने इस कार में इनर एंड आउटर डैम्पिंग की हुई है, यस आप देख सकते हो, एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, ये नॉन डैम्पिंग का जगह है एंड इस पे हमने इनर आउटर डैम्पिंग दोनों किया हुआ है। डैम्पिंग क्यों करवाना चाहिए, बहुत लोग आपको बोलेंगे डैम्पिंग कराइए बाहर की नॉइजेस एलिमिनेट होती है, टू अ एक्सटेंट बाहर की नॉइजेस ज़रूर एलिमिनेट होती है बट 10-20%। मेन रीज़न डैम्पिंग कराने का ये चीज़ है कि जो मारुति की बिल्डअप क्वालिटी आती है वो इतनी खास नहीं आती है, जिस तरीके से हम स्पीकर कंपोनेंट इतना अच्छा लगा रहे जो बेस आना चाहिए वो ये खोखलापन नहीं आना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डैम्पिंग कीजिए। जो आपका साउंड इफेक्ट है उनको अपग्रेड करने के लिए आप डैम्पिंग करवाइए, ऐसा नहीं कि बाहर की नॉइजेस नहीं आवे, बाहर की नॉइजेस एलिमिनेट होगी
बट आप बोलोगे एकदम से बंद हो जाए, आप कोई भी डैम्पिंग करवा लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। यही सजेशन दूंगा, अगर डैम्पिंग करवा रहे हो, सिस्टम अच्छा लगा रहे हो तो डैम्पिंग ज़रूर कराओ, बट अगर बाहर की नॉइजेस के कंसेप्ट से लगा रहे हो मत लगाओ। मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पैसा खर्चा किया है तो कोई भी चीज़ लगा दी हो, वो सजेशन कभी नहीं देता हूँ। कार के फाइनल लुक पे आ चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा पूरा कार का कंसेप्ट सुबह ये कार से बनके ये कार पे गया हुआ है, क्लाइंट का भी रिव्यू लेना चाहूँगा। क्लाइंट सुबह से आए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल से बात करना चाहेंगे, अंकल किस तरीके से कार लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बताना चाहूँगा, पूरा क्लाइंट हैंडलिंग भाई ने, गौतम सर ने किया हुआ है। क्या बोलना चाहोगे सर, किस तरीके से आपको समझाया था और किस तरीके से जब गाड़ी का आउटकम आ रहा है तो क्या तरीका है? पहले तो मैं जीके मोटर का सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, मेरी गाड़ी ऐसी बनाई। और मैंने तो पहले 09 का वीडियो देखा था, वैसे ही बनानी थी, लेकिन मुझे बजट के बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा बजट कम करके अभी ये मॉडल आपने बना के दिया है। ये बहुत ही अच्छा है, आपके जो लोग काम करते हैं वो दिल से करते हैं, इसीलिए मैं गौतम सर और प्रतीक सर का दोनों का ही थैंक यू कहना चाहूँगा। और जिसको भी गाड़ी बनानी है वो जीके मोटर्स के पास ही आए, बहुत अच्छी तरह से बना के देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से आप सुबह कार लेके आए थे, अभी किस तरीके से लेके जा रहे हो? मैं खाली दो ही शब्द बोलूंगी, लय भारी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर क्या बोलना चाहोगे, कार किस तरीके से लग रही है? मैं तो बोलूंगा, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे अरे इधर पुणे में गाड़ी बनाओ, पुणे में गाड़ी बनाओ, मुंबई किधर जा रहा है, मुंबई किधर। लेकिन मैं सब दोस्तों को बोलूंगा आप एक बार विजिट करो, देखो, आप खाली हाथ इधर से नहीं जाओगे। थैंक यू सो मच। एक नंबर गाड़ी बनाए, एक ही नंबर। थैंक यू सो मच। सब सेटिस्फाइड होना, मतलब जो चीज सुबह जो बताया था और जो आउटकम आ रहा है वो बराबर है कि नहीं? नहीं, एक नंबर। मैंने अभी दोस्तों को फोटो भी शेयर किया, वो सब अच्छा बोल रहे, अरे बहुत अच्छा बना है गाड़ी। थैंक यू सो मच, एक नंबर गाड़ी बनाई। आप क्या बोलना चाहोगे सर? पहले जब बार हम गाड़ी लेके आए थे तो ये बेस मॉडल था, अब इसको देख के लग रहा है टॉप मॉडल भी इसके आगे फीका है। सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये आप हम लोग को सब ने हेल्प किया, क्या क्या कैसे करे, कैसे बताया, अच्छा कैसा लगेगा, सब इम्प्रोवाइजेशन कैसा करना सब बताया, तो मैं सर का बहुत थैंक यू। गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों आपने जैसे कि देखा सर ने बोला टॉप मॉडल से बढ़कर लग रही है, इसमें एक भी मिरर पावर विंडो कुछ नहीं लगाया है, बट फिर भी आप एक डिफरेंस देख सकते हो बेस मॉडल किस तरीके से था और टॉप मॉडल किस तरीके से था। यही सजेशन दूंगा, कार लेके आई है आपके हिसाब से बना के दूंगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँ वो होना चाहिए। आपका बजट और आपको किस हिसाब से कार चाहिए वो बजट में बिठा के और आपके हिसाब से कार बना के दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच अंकल। सो मेरी शॉप लोकेटेड है वाशी सेक्टर 70 नेक्स्ट टू गोल्डन पंजाब होटल। कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके से ये वीडियो लगा, किस तरीके से कार लगी और किस तरीके से डिफरेंस लगा कि एक साल बाद हम किस लेवल पे आ चुके हैं। सब आप लोगों के कारण है। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।